एक हो बिल्कुल अफ्रीकन और दूसरा हो अरबियन, लंबा चौड़ा मट्टा कट्टा कट्टा मोटा ताजा, और दोनों की शादी हो जाए तो चलेगा है? ये तो जोड़ी ही नहीं बनी। संपूर्ण बंधन समान बंधन तभी हो सकता है जब समानता हो। तभी ही अनुभूति होती है। हाँ जी, मुरली का पॉइंट तो अभी भी बोल रहा है कि योग शब्द नहीं बोलना चाहिए, याद बोलना चाहिए। और क्या बोला ये आगे वालों ने नहीं सुन पाया, जोर से बोलो। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, यज्ञ का उच्छेदन कर दिया रुद्रगणों ने, तब उनका मुख काट दिया गया, फिर बकरे का मुख लगाया गया। क्या? जो बकरे का मुख लगाया गया ये किस बात की यादगार? प्रजापिता वाली आत्मा कौन है? कौन सी आत्मा है? राम वाली आत्मा प्रजापिता है। उसका टाइटल ब्रह्मा भी है या नहीं है? ब्रह्मा कितने हैं? पांच। उनमें से एक का मुख काट दिया गया। मुख काटना माने देहभान अलग कर दिया और आत्मा अलग हो गई। तो अच्छा काम हुआ या बुरा काम हुआ? अच्छा काम हो गया। 76 से आत्मा अलग और देहभान अलग। लेकिन वही राम वाली आत्मा जब तमो प्रधान बनती है अंत में, षष्ठी के अंत में, तो रामसो क्या बन जाता है? रावण बन जाता है। वो ही प्रजापिता ब्रह्मा, ब्रह्मा के रूप में ऐसा रूप धारण करता है जो बहुत ही तमो प्रधान हो जाता है। वो अपने को ही भगवान सांप साबित करता है, मैं हूं मैं हूं। तो बकरे का मुख दिखाया गया, बकरा क्या करता है? मैं भगवान कोई चीज नहीं। तो अंत में बकरे का मुख दिखाया गया। प्रभुता पाहि काहि मद नाही, ऐसे होता है जब कोई को प्रभुता मिल जाती है, कुर्सी मिल जाती है, तो अहंकार चरम सीमा पर पहुंच जाता है। वो चाहे कोई भी मनुष्य आत्मा हो, सब का यही हाल होता है। 2008 में तो सत्यनारायण बन जाएगा, तब तो नहीं होगा, इससे पहले होगा ना। दुनिया का विनाश कब होगा? हाँ, तो कीड़े मकोड़ों जैसी आत्माओं का भी विनाश होगा या नहीं होगा? तो कौन होगा विनाश कराने वाला? सबके अहंकार को नीचे गिराने वाला कोई तो एक चाहिए। दुनिया में तो बड़े बड़े अहंकारी है, 500-700 करोड़ बड़े बड़े अहंकारी है, उनका कोई तो बाप होगा। दुनिया की कोई ऐसी बात ही नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। तो बड़े बड़े अहंकारियों का भी कोई बाप है या नहीं है? उसको फिर ये भी अहंकार आ जाता है, मैं ही भगवान हूं।
तो बकरे का मुख दिखाई दिया गया। और हाथ उठाओ। हाँ, शंकर के मस्तक में सांप क्यों दिखाया? जो पांच सांप दिखाए गए हैं वो पांच विकारों की यादगार हैं। कमर में काम विकार की यादगार, दोनों भुजाओं में क्रोध और लोभ की यादगार, गले में मोह की यादगार और सर के ऊपर अहंकार की यादगार। माना ये पांचों सर्प उस शरीरधारी में हैं, अलग नहीं है। और पचासी जन्म, 84 जन्म हुए है। हाँ, एक्स्ट्रा आर्डिनरी किस लिए कहा गया? किस लिए एक्स्ट्रा आर्डिनरी कहा गया? एक्स्ट्रा आर्डिनरी इसलिए कहा गया कि वो 21 जन्मों में से पहला जन्म भी है और 84वां जन्म भी है, इसलिए एक्स्ट्रा आर्डिनरी जन्म। जो प्रजापिता के लिए वो प्रजा माता के लिए भी 85वां जन्म। क्यों 84 जन्म होंगे तो 84 लौकिक बाप होंगे या 85 लौकिक बाप होंगे? 84 बाप होंगे, 85 कहें तो 85 बाप चाहिए, वो तो किसी को होते ही नहीं। श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, दोनों टाइम में याद आती रहे। श्वास लेते भी बिंदी और श्वास छोड़ते भी बिंदी याद आवे तो कहेंगे श्वास और श्वास याद। और बिंदी याद आएगी तो बिंदी कहाँ बैठी हुई है वो भी याद आवेगा। बाप अपने बच्चे को याद करता है तो बच्चा या तो घर में याद आता है, अगर बिलायत में बैठा होगा तो बिलायत भी याद आवेगा कि सिर्फ बच्चा ही याद आवेगा? बच्चा भी याद आएगा, स्थान भी याद आएगा। व्यक्ति का कनेक्शन स्थान से भी होता है। तो ऐसे ही श्वास लेते लेते आत्मा भी याद आए, आत्मा का आधार भी याद आए, श्वास छोड़ते भी आत्मा याद आए, आत्मा का आधार भी याद आए। कृष्ण
राम वाली आत्मा और कृष्ण वाली आत्मा को जो दोनों को जो ईश्वरीय सेवा में कोई आत्माएं अनुभव करती है मोहब्बत का और कोई आत्माएं अनुभव करती है मेहनत का है। ईश्वरीय सेवा में जो मोहब्बत मोहब्बत में रह करके सेवा करते हैं उनको सफलता ज्यादा मिलती है, या जो बहुत मेहनत करके खींच खांच के सेवा करती है उनको सफलता ज्यादा मिलती है। तो राम वाली आत्मा ज्ञानी तू आत्मा है या ज्ञानी आत्मा है? ज्ञानी तू आत्मा तो मोहब्बत में ही करेगी। जितना ज्ञान पहचान, ज्ञान माने जानकारी, किसकी जानकारी? शो बाप की जानकारी। जितनी गहराई से बुद्धि में बैठी हुई होगी वो उतना ही मोहब्बत में रह करके सेवा करेगा। इसलिए मेहनत अनुभव नहीं होती है। और दूसरी आत्माएं इस बात में नंबरवार है, मोहब्बत में रहने में अथवा ज्ञान और पहचान में रहने में नंबरवार है। तो कोई बहुत मेहनत का अनुभव करके सेवा करेंगी, उनमें सबसे लास्ट वाली आत्माएं वो होंगी सदगुरु निंदक ठहर न पावे। लास्ट में उनको विदेशियों में जाकर के, विदेशियों के बीच में रह करके सेवा करनी पड़ेगी। तो मोहब्बत में होंगी या मेहनत में होंगी? मेहनत में होंगी, इसलिए प्राप्ति कम होगी। और बाबा मेहनत नहीं चाहते हैं, हैं? बाबा को मेहनत नहीं पसंद है। मेहनत किसको पसंद होती है? किसी को पसंद होती है? हमको भी नहीं। मेहनत तो किसी को पसंद नहीं होती है। फिर मोहब्बत? फिर मोहब्बत पसंद तो तब होगी जब ज्ञान होगा, पहचान होगी, तभी तो मोहब्बत होगी। अगर पहचान है 50% और 50% अनिश्चय पैदा होता रहता है तो मोहब्बत होगी या मेहनत होगी? इसके लिए कोई क्या करेगा? और है गायत्री को तीन मुख दिखाए जाते हैं। गायत्री का अर्थ क्या है? त्री माने क्या? तीन। और गायन माना क्या? महिमा। वो तीन कौन है देवियां जिनका गायन है? और तीनों इकट्ठी भी होती है, इकट्ठी होती है कि नहीं कभी? तो जब इकट्ठी होती है तब उनका नाम पड़ जाता है गायत्री। गंगा, यमुना और सरस्वती, ये तीन मुख है, ये तीन देवियां बहुत प्रसिद्ध है। हाँ जी, वो है ही जगदम्बा बुद्धिमान। ज्यादा बुद्धि का काम जगदम्बा के बच्चों में होता है या भारत माता के बच्चे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं? है? बाप को कौन पहचानते हैं? विदेशी बाप को पहचानते हैं बुद्धिमान होने के आधार पर, या स्वदेशी पहचानते हैं? विदेशी पहले पहचान लेते हैं, वो जगदम्बा के बच्चे हैं। जगदम्बा है सब धर्मों की अम्बा, और भारत माता सब धर्मों की माता नहीं है। जो भारत के खास धर्म है चंद्रवंश सूर्यवंश, उन्हीं की माता है। वो देवताएं हैं,
देवताएं बुद्धू होते हैं या बुद्धिमान होते हैं? अगर बुद्धिमान हो तो विदेशियों के संग के रंग में आ क्यों आ जाएं? बच के न रहे? बोले वाले इतने होते हैं कि जितने ही विदेशियों ने आक्रमण किए भारतवर्ष में, सबको आत्मसात कर लिया। ऐसा विदेशियों ने कभी किया है क्या? विदेशियों ने कभी नहीं किया। अभी भी ब्रह्मा कुमारियों में इतनी दम नहीं है कि अगर कोई एडवांस पार्टी में कन्वर्ट हो जाए और कन्वर्ट होने के बाद वहां से अनिश्चय बुद्धि होकर के वापस आए तो उसको अपने अंदर समा के रख सकें। है ताकत? नहीं है। समाने की ताकत है ही नहीं जो भारतवासियों में ताकत है। इसलिए भारत को माता पिता का देश कहा जाता है। कोई को कहीं शरण मिले या न मिले, लेकिन भारत में शरण जरूर मिलती है। शरणार्थी सबसे ज्यादा कौन से देश में है? भारतवर्ष में। एक होता है युद्ध में युद्ध करते करते अचानक शरीर छोड़ देना, और एक होता है युद्ध नहीं किया जा रहा है, युद्ध की स्टेज में नहीं है, अपनी मौत अचानक शरीर छोड़ दिया, कोई विकर्म उदित तो हो गया, तो भूत प्रेत कब बनना पड़ेगा? जो युद्ध करते करते देश की रक्षा के लिए शरीर छोड़ते हैं, जन कल्याण के लिए शरीर छोड़ते हैं, उनको सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है, या स्वार्थ के लिए शरीर छोड़ते हैं उनको सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है? है स्वार्थ वालों को सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है। युद्ध भूमि में कितने अचानक मौत होती है, उनके लिए कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, वो भूत प्रेत नहीं बनते हैं। क्यों? जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण आते हैं। भाव प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। भावना प्रधान होती है मरते समय। कोई स्वार्थ के लिए शरीर छोड़ते हैं और कोई परमार्थ के लिए शरीर छोड़ते हैं। जो परमार्थ के लिए शरीर छोड़ते हैं उनको सूक्ष्म शरीर के बंधन में नहीं आना पड़ता है। ऐसे ही प्रजापिता सारी सृष्टि का पिता है, हीरो पाठधारी है, तो भावना हीरो पाठधारी की होगी या नष्ट भावना होगी? इसलिए उसको सूक्ष्म शरीर धारण नहीं करना पड़ता है। हाथ उठाओ। हाँ जी, आवाज यहाँ तक पहुँचाओ। ये आगे वालों ने नहीं सुन पाया है? लक्ष्मीकांत, लक्ष्मी की शोभा वाला, कांति माने शोभा, और लक्ष्मी धर माने लक्ष्मी को धारण करने वाला। क्या
दोनों एक ही हुए या अलग अलग हुए? हैं? एक ही हो गए। और साठ वर्ष है, छिहत्तर से छत्तीस तक क्या है? सूक्ष्म स्टेज है। सूक्ष्म स्टेज माने सूक्ष्म शरीर। हाँ है, अव्यक्त स्टेज में काम कर रहा है, सूक्ष्म स्टेज नहीं। अव्यक्त माने बुद्धि इस साकार दुनिया में नहीं लगी रहती है। बुद्धि कहाँ लगी रहती है? या तो ज्ञान के मनन चिंतन मंथन में रहती है, या तो ईश्वरी सेवा की प्लानिंग में रहती है, या तो नई दुनिया में बुद्धि लगी रहती है, या तो परम धाम की याद में बुद्धि रहती है। वो उसमें प्रवेश होके पाठ बजाती है। जब प्रवेश है तो आकारी और निराकारी है, प्रवेश नहीं है तो गुलजार दादी में प्रवेश करके पाठ बजाती है। ऐसे ही 36 तक क्यों चलेगा? बाप और बच्चे दोनों साथ साथ संपन्न बनेंगे या आगे पीछे संपन्न बनेंगे? साथ साथ। तो 2018 है और गंगा से कहाँ आती है? गंगा ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्रा में अपने को समा देती है। गंगा में ज्यादा जल होता है या ब्रह्मपुत्रा में ज्यादा जल होता है? ब्रह्मपुत्रा में ज्यादा जल होता है और गंगा में जल थोड़ा होता है। हाँ जी, किसको? माताएं जो हैं दो हैं, एक भारत माता और एक जगत माता। तो ये कैसे कह सकते हैं कि भारत माता को माता नहीं कहेंगे? पहली अव्यक्त वाणी में ही बोल दिया भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। तो शिव की शक्ति सबकी माता नहीं हुई? तो ये कहां से निकाल लिया कि माता नहीं कहेंगे? हैं? क्या कैसे हुआ? कि जगत की माँ नहीं कहेंगे? भारतवासियों की तो माता है। जगदम्बा जगत की माता है। किसी को मैंने लात लग गया, लात लग गई, लग गया। हाँ, कोई ऐसा कर लेता है तो भक्ति हो गया? बिल्कुल हो गया। गुस्सा होगा तो उसको खुश करने के लिए कह देने से क्या होता है? अगर कोई भक्ति मार्ग में चल रहा है और भक्ति मार्ग वाले को मना किया जाए तुम भक्ति मत करो, तो ये ज्ञान है या अज्ञान है? क्या है? अज्ञान है। किसी को भक्ति की भावना को ठोकर क्यों मारना? उसकी भक्ति की भावना पूरी होने दो। ओम शांति।